Hello everyone, how are you? Welcome back to my channel Scale Scoop with Abhi. This is Abhi here. I have brought a new video on IELTS speaking cue card from May to August 2020. वैसे तो क्यू कार्ड्स बहुत ज्यादा हैं, but I have categorized into four main categories: things, places, people and events. आज हम बात करेंगे places के regarding कि places के ऊपर कितने क्यू कार्ड्स हैं. So बहुत क्यू कार्ड्स थे, कुछ पुराने थे, कुछ नए, कुछ ऐसे थे कि जो रिप्लेस हो सकते थे. So I have not repeated. क्रक्स जो थे वो मैं निकाल कर आपके सामने लेकर आया. तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए let's just get started with the first one है कि describe a city you have visited and want to go back into the future. मतलब कि कोई ऐसी सिटी जो आपने पास्ट में विजिट की थी लेकिन आप फ्यूचर में भी जाना चाहते हो. सो दिस इज वन वेरी मच कॉमन और कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको अपनी ग्रामर की रेंज दिखानी है. पास्ट की बात भी करनी है, सिटी कौन सी है और कहाँ है ये प्रेजेंट की बात है, और फ्यूचर की बात भी करनी है आपको. सो अगर आप देख सकते हो तो मैंने थोड़ा सा हिंट लिखा है यहाँ पर कि अगर आपको सिटी की बात करनी है सो बेटर टू यूज वर्ड अर्बन एरिया, सिटी साइड, डाउन टाउन, या आपको मेंशन जरूर करना है स्टेट और उसकी लोकेशन कहाँ पर है उस सिटी की. ठीक है, सो यू हैव टू से साउदर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न. साउदर्न नॉर्दर्न नहीं बोला है, इट शुड बी साउदर्न एंड नॉर्दर्न, ये याद रखना. सिटी कौन सी है, कोई हिल स्टेशन था या कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन है, ये आप एडजेक्टिव दे सकते हो उस सिटी को. और एक्टिविटीज में ये कुछ एक्टिविटीज लिखे लाइक ट्रैकिंग है, हाइकिंग है, माउंटेनियरिंग है, गो कार्टिंग है, आइस स्केटिंग है, स्कीइंग है. अगर तो आप बीच पर कहीं गए थे या बीच पर जाना चाहते हो दोबारा से वहीं पर, तो एक्टिविटीज आपने अगर बोल सकते हो कि मैंने वहां पर कैनिंग की थी. कैनिंग मीन्स बोटिंग को कह देते हैं एक तरीके से, वो एक तरीके की बोटिंग होती है कैनिंग, या वाटर सर्फिंग करनी है, या स्कूबा डाइविंग आपने की थी, या आप स्कूबा डाइविंग वहां पर जाकर करना चाहते हो, या पहले भी आपने स्कूबा डाइविंग की थी एंड यू हैड वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस विद दैट, सो यू अगेन वॉन्ट टू डू दैट. सो दिस इज अ वन क्यू कार्ड जिसमें आपकी बहुत सारी रेंज है, टेंसेज आपको शो करने का मौका मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अ क्राउडेड प्लेस यू हैव बीन टू. ये पुराना भी है लेकिन इसको आप नए ढंग से भी बता सकते हो कि क्राउडेड भीड़ वाला इलाका जगह कौन सी थी, वेयर इट वॉज, कौन सी जगह थी जो बहुत भीड़ वाली थी, व्हेन यू वेंट देयर, कब गए थे, व्हाई इट वाज क्राउडेड, भीड़ क्यों ज्यादा थी, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द प्लेस. तुसी केवें दा महसूस कीता सीगा. सो प्लेसेस में बस, रेलवे स्टेशन तो चलो कॉमन है, स्टेडियम भी कॉमन हो गया. सो यू कैन इवन टॉक अबाउट द सुपरमार्केट्स ड्यूरिंग अ स्पेशल फेस्टिवल, या बता सकते हो ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, दैट यू कैन गो to a mall to get the things, to acquire the things, वो चीजों के लिए. इसके साथ मैंने नंबर वन पर मार्क किया है फ्लिया मार्केट्स. फ्लिया मार्केट्स वो मार्केट होती हैं जो एक पर्टिकुलर डे पर ही लगेंगी. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ में 17 सेक्टर में मंगलवार को ही मार्केट लगेगी बैग्स की. लेडीज हो, जेंट्स हो, ट्रेवल बैग लेना है, कोई बैग लेना है तो बैग्स की मार्केट लगेगी. दैट इज नोन एज फ्लिया मार्केट्स. अगर आपको और जानकारी चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स के लिए तो यू कैन व्यू और वॉच माय वीडियो रिलेटेड टू द शॉपिंग, वो आप देख सकते हो. उसमें मैंने काफी सारे टाइप्स ऑफ मार्केट्स बताई हुई है, तो आप उनमें से कुछ चीज मेंशन कर सकते हो. ठीक है, व्हेन यू वेंट देयर टाइम पीरियड मेंशन करना है, व्हाई इट वॉज क्राउडेड, क्यों ज्यादा क्राउडेड था, रीजन बता सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन होने वाला था दो तीन दिनों में, दैट वॉज अ रीजन. रीजन और क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये या तो हफ्ते में एक बार लगती है या मंथ में एक बार लगती है फ्लिया मार्केट, इस वजह से वो प्लेस क्राउडेड था. उसी तरीके से बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन तो कॉमन ही है कि वाई दोज एरियाज आर क्राउडेड. लेकिन अगर आप स्टेडियम की बात कर रहे हो तो क्रिकेट स्टेडियम की बात कर सकते हो, और किसी हिस्टोरिकल मैच की बात करकर आप एक न्यू आइडिया प्रेजेंट कर सकते हो एग्जामिनर के सामने. दैट इज द थिंग. फीलिंग से अगर बात करनी है, हाउ यू फेल्ट देयर, तो हैप्पी फीलिंग, अच्छा, अच्छी फीलिंग, खुश थे. तो कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड है. चीयरफुल का मतलब होता है बहुत खुश. डिलाइटेड, मजा आ गया. प्लीज्ड, बहुत खुश. एलेटेड, हायो रब्बा वाली फीलिंग जो होती है ना, वो खुशी वाली. दैट इज यूफोरिक इज द सिनोनिम ऑफ एलेटेड एंड प्लीज्ड. ये इन्हीं का सिनोनिम है यूफोरिक. आई फेल्ट वेरी यूफोरिक, वो बोल सकती हूँ.
सरप्राइज के केस में astonished, amazed, और ये बहुत अच्छा वर्ड है अगला flabbergasted, flabbergasted, R का साउंड नहीं आना चाहिए क्योंकि A E I O U के बाद अगर R आता है तो R का साउंड नहीं आएगा, it is flabbergast, flabbergasted, ठीक है, इसका मतलब होता है हैरान होना, excitement के साथ, हाय, then next is spellbound, ठीक है, अगर आप anger में थे तो annoyed, irritated, disgusted, ये वर्ड यूज कर सकते हो अपनी annoyed, annoyance शो करने के लिए, anger शो करने के लिए, अगर गुस्सा आया था आपको. गुस्सा क्यों आता है कि फॉर एग्जाम्पल पीपल वर बम्पिंग अप इनटू द ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, कोलैप्सिंग विद ईच अदर, सो व्हाटएवर द मटेरियल आई हैव लिफ्टेड फेल डाउन, वो गिर गया सारा, इस वजह से आई वाज वेरी मच अनॉयड, इरिटेटेड, डिसगस्टेड, गर्मी बहुत थी, इट वाज अ हॉट डे ऑल्सो, ये चीज हो सकती है, कुछ भी बता सकते हो आप. Okay, next one is describe a school you went in your childhood. ये बहुत ही आसान क्यू कार्ड है, पुराना भी है, लेकिन बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें, खासकर मैंने अपने स्टूडेंट्स को चेक किया है कि वो क्या क्या गलतियां कर जाते हैं इसके केस में. तो यहाँ पर आप बताओ स्कूल के बारे में कहाँ है, लोकेशन, यानी कि लोकेशन के तौर पर बता सकते हो विसिनिटी ऑफ माई होम टाउन, यानी कि मेरे होम टाउन के अंदर अंदर ही है, नेड़े नेड़े ही है. You can say that outskirts of my hometown, outskirt of my hometown, यानी कि मेरे पिंड दी हद या जिथे मेरा घर है, मेरे इलाके दी हद तो थोड़े से बाहर जाके आता है. You could even mention the distance or time to reach. 2 kilometer दूरी थी है मेरे घर तो. Time बताना है, it's a quarter minutes away from my hometown. Quarter minutes away मतलब कि 15 minutes दी दूरी थी है. A quarter minutes away. Next one is structure बताओ उसकी school की. What it was like में कि कौन सी लैब्स, अच्छा आप लैब्स मत बोलना, लेबोरेटरीज बोलो, पूरे पूरा वर्ड, कॉन्ट्रेक्शंस मत यूज करना, फुल शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करनी, फुल फॉर्म्स बोलो. लेबोरेटरीज कंप्यूटर की लेबोरेटरी है, साइंस की लेबोरेटरी है, प्लेग्राउंड्स है वहां पर अच्छे से, कैफेटेरिया है जहां पर हेल्दी मील्स मिलती हैं चीप प्राइसेस पे, फिर लाइब्रेरी विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट विद द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट तो चलो मेरे मैंने भी गलत बोल दिया, इट शुड बी इंटरनेट, इंटरनेट फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट की प्रोविजन है वहां पर लाइब्रेरी की, बुक्स ले सकते हो आराम से, लाइब्रेरी में बड़ी अच्छी है. देन टीचर्स के बारे में, डू नॉट से कि आपके टीचर्स एजुकेटेड है. आप स्टूडेंट्स नहीं जज करते कि टीचर एजुकेटेड है ये नहीं, स्टूडेंट ये जरूर कह सकते हैं कि ट्रेंड है वो या कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे हैं. एजुकेटेड वर्ड थोड़ा सा और तरीके का साउंड हो जाएगा वो उस एग्जामिनर के लिए कि हाउ यू कैन जज कि टीचर एजुकेटेड है या नहीं है. टीचर्स की जगह पर यू कैन यूज अ वर्ड स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ वो डाल दो, फैकल्टी मेंबर्स डाल दो, ठीक है. Then, अगर जो टीचर्स के लिए अगर आपने कोई idiom use करना है तो वो लास्ट में मैंने लिखा है कि ब्राइट आइड एंड बशी टेल. टीचर्स वर वेरी ब्राइट आइड एंड बशी टेल, वेरी एंथुजियास्टिक एनर्जेटिक पर्सन्स, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है. हर काम बड़े अच्छे से लगन से करते थे टीचर्स. टीचर्स के बारे में थोड़ा सा रखो, लेकिन आपका क्यू कार्ड है वो बताने के लिए स्कूल के बारे में बताना है तो मैंशन ज्यादा से ज्यादा आप अपने स्कूल के बारे में बताओ, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, थोड़ा सा आप टीचर्स के बारे में जरूर बता सकते हो उसको 2 मिनट आगे तक लेकर जाने के लिए. ध्यान रखना है इसमें हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, कंटेंटेड, चीयरफुल, जो हमने पीछे किए हैं वो भी उसमें से आप वोकैबुलरी यूज कर सकते हो. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर यू रीड एंड राइट. यू शुड से नॉट योर होम, घर को छोड़कर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप पढ़ते हो और लिखते पढ़ते हो, समथिंग कहां पर है, हाउ ऑफन यू गो देयर, कितनी बार जाने हो तुसी उत्थे, व्हाट यू डू देयर, तुसी उत्थे की करदे हो, एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस प्लेस. हर एक क्यू कार्ड में देखो फीलिंग्स की बात जरूर आ रही है, तो कुछ फीलिंग्स हैं तो अपने पास वो नोट करके रखो वर्ड्स को, फ्लैबकास्टेड, एस्टोनिश्ड, किसी ना किसी चीज को देखकर हुए हुआ. ओके, प्लेस आप बता सकते हो स्कूल की या कॉलेज की लाइब्रेरी आप मेंशन कर सकते हो, पब्लिक लाइब्रेरी आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन प्लीज कोई हिंदी नाम या पंजाबी नाम मत यूज करना. यूज द सिंपल वर्ड, सेंट्रल लाइब्रेरी, टाउन लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी, मेन लाइब्रेरी,
इंग्लिश नाम यूज करो, नॉट एनी हिंदी और पंजाबी नेम, ये याद रखना। वर्नैक्युलर लैंग्वेज यूज करना आपके लिए मना है, गुनाह है। लोकेशन है उस लाइब्रेरी की कहाँ पे, स्कूल की है तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो इट इज इन दी सेंट्रल एरिया, स्कूल में कहाँ पर है वो अपने आप मेंशन हो गया। अगर पब्लिक लाइब्रेरी बता रहे हो जो सब लोगों के लिए पिंड विच है, तो आप बताओ कि मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पर है। कब जाते हो, रेगुलरली जाते हो, हफ्ते में 3 बार जाते हो, हफ्ते में 2 बार जाते हो, या एवरी सैटरडे जाते हो, ये बता सकते हो। बी स्पेसिफिक टू योर फ्रीक्वेंसी ऑफ गोइंग ओवर देयर। देन बुक्स के बारे में बता सकते हो कि बड़ी एंटिक्स बुक्स भी पढ़ी हैं, मॉडर्न बुक्स भी पढ़ी हैं, हर एक चीज से रिलेटेड है। डिजिटल कॉपीज भी पढ़ी हैं बुक्स की, और ब्रेल लैंग्वेज में भी पढ़ी हैं बुक्स, स्पेशली फॉर द ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए। ब्लाइंड स्टूडेंट्स ना ब्रेल लैंग्वेज से पढ़ते हैं, वो जो डॉट डॉट वाली होती है, डॉट्स के ऊपर टच करके दे कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग्स आर। डिजिटल कॉपीज कह सकते हैं कि वो सुन सकते हैं, अगर वो पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट दे कैन लिसन। ऑडियो फॉर्म में है बुक्स, उनका सेपरेट सेक्शन बना हुआ है उन बच्चों का या उन लोगों का। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वेल लिट है, वेल लिट मतलब रोशनी बड़ी आंधी है, लाइट की सेकेंड फॉर्म है लिट वैसे तो। देन यू कैन टॉक अबाउट कंफर्टेबल फर्नीचर, चेयर्स टेबल्स मत बोलो, कंफर्टेबल फर्नीचर, इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोविजन ऑफ इंटरनेट। दे इट हैज अ कंप्यूटर, इट हैज इंटरनेट ऑल्सो, ये बड़ी बड़ी रॉन्ग इंग्लिश हो जाएगी। स्पेशल और स्पेसिफिक नाउन्स और एडजेक्टिव्स यूज करो। इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोविजन ऑफ इंटरनेट इज देयर, ये इस तरीके की वोकैबुलरी यूज करनी है, तो ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग प्लेस यू रिमेम्बर वेल दैट वॉज फुल ऑफ कलर्स, ये भी पुराना है। यू शुड से वेयर इट वॉज, वॉट इट वॉज लाइक, वाई यू वेंट देयर एंड एक्सप्लेन वाई यू रिमेम्बर इट वेल, तो ये भी पुराना ही है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो किस चीज को लेकर। गार्डन बता सकते हो, या हमारे जैसलमेर इंडिया में ना जैसलमेर में है रंग महल जिसको बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि पैलेस ऑफ कलर इज द सिटी जैसलमेर इन इंडिया, इन माय होम कंट्री। सो डू नॉट से रंग महल इन द फर्स्ट इंस्टेंस, बट आप उसको ये जरूर बोल सकते हो द पैलेस ऑफ कलर विच इट हैंड सरप्राइजिंगली इट हैज अ डिफरेंट नेम इन माय नेटिव लैंग्वेज विच इज रंग महल। That is why Rang means color, so that is why it is known as Palace of Colors, Rang Mahal. अगर तो आप गार्डन की बात कर रहे हो तो वहां पर बताओ कि numerous species हैं, flowering and non-flowering plants की flower exhibition होती है specific day पर, या flower show होते हैं specific months में। Winters में कुछ और schedule है, summers में इसका कुछ और schedule है। Why you went there? क्यों गए थे वहां पर? मैं भी ये फ्लावर शो देखने के लिए गया था, मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे को इनवाइट किया था इस स्पेशल के लिए, मेरी खुद की आई हैव एन इंटरेस्ट, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई हैव इंटरेस्ट इन प्लांट्स, दैट इज वाई। अगर आपने रंग महल के बारे में बताना है सो यू कैन गूगल इट कि क्या है रंग महल, तो वो डाल सकते हो। वैसे मैंने अपनी इमेजिनेशन से लिखा है कि कलरफुल वॉल्स हैं, ट्रांजिशंस होती है कलर्स की, क्यों? ड्यू टू द सन रेज, जैसे जैसे सूरज बढ़ता है कम होता है, उससे रंग बदलते हैं दीवारों के अंदर, शीशे लगे हैं, आईने लगे हैं, मिरर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी जब रिफ्लेक्शन पड़ती है तो डिफरेंट मैजिकल पैटर्न्स बनते हैं दीवारों के ऊपर। तो दैट इज हाउ यू वर फ्लैबरगास्टेड बाय वॉचिंग बाय द व्यू, अगेन वही वर्ड आ गया, सेम वही एस्टॉनिशमेंट आ गई। Why you remember it well? क्योंकि ये these were the things मैंने कभी भी नहीं दिखी थी, that is why I have remembered it. This was a very flabbergasted, surprising experience for me. ये चीज़ें आप बोल सकते हैं। Okay. Next we have describe a historical building you have visited. तो ध्यान रखो guys कि students यहाँ पर ना building के बारे में बात की है। मैं चाहूँगा, ये मेरी personal feeling है कि आप ना मंदिरों को मत include करना, मंदिर मस्जिद गिरजाघर या गुरुद्वारा इनको मत लेना, बिकॉज दे हैव नॉट टॉक अबाउट श्राइन्स के बारे में नहीं, उन बिल्डिंग्स को श्राइन्स बोला जाता है, और हम लोग मंदिरों को बिल्डिंग्स, एकमात्र बिल्डिंग, दीज आर नॉट मेयर बिल्डिंग फॉर अस, लेकिन हम उसको लाइक भगवान का घर मानते हैं, गुरु का द्वारा है, ठीक है, भगवान का घर है वो, भगवान से मिलने का। सो दीज आर नॉट मेयर बिल्डिंग्स फॉर अस Indians especially, like किसी के लिए भी नहीं होगा, not only the Indian, किसी भी religion में नहीं है ये। तो building की बात की है तो mention करो red fort को,
ताजमहल को कर दो, चार मीनार को कर दो, बहुत अच्छी जगह है हजार द्वारी पैलेस, हजार द्वारी, यू कैन टॉक अबाउट दिस ऑल्सो, इसके बारे में गूगल कर लो, वेस्ट बंगाल में है, आमेर फोर्ट यही नाम है इसका, फोर्ट का आमेर राजा के नाम पे. देन यू कैन टॉक अबाउट द फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये चेन्नई में है, ये अंग्रेजों के जमाने का है एक किला वहां का, यू कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, इन सब चीजों के बारे में. ये एग्जैक्टली ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, दैट इज हाउ यू कैन प्लीज द एग्जामिनर बाय टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाउ डाइवर्स इट इज, इन चीजों के बारे में. ताजमहल सब बोलेंगे आई थिंक, रेड फोर्ट भी सभी बोलेंगे, कुछ अलग बोलो कुछ नया बोलो, ताकि एटलीस्ट एग्जामिनर भी इंटरेस्ट लेकर सुने आपको. ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि साउथ इंडियन आ जाए, इफ यू विल टॉक अबाउट द फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई, तो वो कितना खुश होगा कि हाँ इसको अपने इंडिया के बारे में बहुत पता है, बींग अ नादरन ही इज वेरी मच वेल अवेयर अबाउट द साउथर्न पार्ट ऑफ हिज ओन कंट्री और हर ओन कंट्री. तो ये याद रखना, ये ध्यान रखना कि शाइंस मत इंक्लूड करना, इनके बारे में आप बोल सकते हो, गूगल करो इनको, अपनी नॉलेज भी इंक्रीज करो. वहां जब आप विकिपीडिया पर इनको सर्च करोगे ना, तो लैंग्वेज बहुत इजी लिखी हुई है इंग्लिश में, वो सेम टू सेम लैंग्वेज भी अगर आप याद कर लोगे, अपने मन में बसा लोगे ना, इवन देन यू कैन अचीव 6+ बैंड्स, आई कैन बेट अपॉन दैट. ठीक है, तो आगे चलते हैं ऑन दी, मैं ये नहीं कहूंगा कि नाउ वी आर कमिंग टू एन एंड, लेकिन हाँ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लेसेस, सो वी आर कंटिन्यूड विद द पीपल इवेंट्स एंड द थिंग्स. कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो पीपल के ऊपर आपको लेकर आऊँ बहुत जल्दी, लेकिन मेरे से भी बहुत वेट नहीं होती, आई वॉज एक्चुअली इल, तो इतना टाइम पीरियड आ गया वीडियोज बनाने के लिए, मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, बट आई होप आप सब लोगों ने मेरे लिए दुआ की होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू सून with the new video related to people. Thank you.